रांची न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं असम में, राजधानी गुवाहाटी में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पे चल रहे क्रूज में हम हैं। और भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ कार्यक्रम में इस कड़ी में मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे और जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय बड़ी ठंडी बयार चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार की गर्मी बहुत है देश में। आइए, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी आपको क्या लगता है, इस बार किसी सरकार बननी चाहिए? बनेगी जो काबिल है, जो लोग चुनेंगे वही बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और एक महिला होने के नाते आपके अपने मुद्दे क्या हैं कि क्या लोगों को ध्यान में रखना चाहिए सरकारों को? महिला को और थोड़ा हिंदी उतना नहीं आता है। हाँ, सुरक्षा और होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे एक तो है कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है करके बोला जा रहा है, लेकिन कुछ मिला नहीं है जी। तो होप सो दैट दिस टाइम पीपल विल वोट वाइसली रादर देन गोइंग विद द वेव। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी। आइए, नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है तब तक वही रहेंगे। अच्छा। और एक हाथ से वोट देने, दोनों हाथ से देने का रहता तो दोनों हाथ से उन्हीं को देते दोनों हाथ से, क्योंकि बहुत माँ का आंसू पोछे हैं वो, और अच्छे लोग अच्छा ही काम करते हैं। उनको अपना बीवी बच्चा है नहीं, वो तो दुनिया के बारे में ही सोचेंगे। वो जब तक जिंदा रहेंगे वही रहेंगे। और मेरा और आप तो आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन उन पर विपक्ष आरोप लगाता है, सीधा सीधा चोर बोलता है उनको। वो तो राम को भी लगाया था जी। राम को एगो धोबिया था कहने वाला, वैसा ही मोदी को कहने वाला वो धोबिया होगा आरोप लगाने वाला। और हम क्या कह सकते हैं? आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पर किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लगता है? आप कुछ कारण बताना चाहेंगे कि क्या मोदी जी ने 5 साल में जो काम किया है वो कांग्रेस जो है जी आज तक नहीं किया है जी, और ना कोई सरकार करेगी जी। इस बीच में बहुत से प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा कोई नहीं किया जो 5 सालों में इन्होंने करके दिखाया है जी। और आपको लगता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर ये सरकार सही तरीके से निपट रही है? सही है, बिल्कुल सही है जी। लेकिन जो भी कदम उठाती सरकार, बार बार सबूत मांगे जाते हैं उनसे। वो तो विपक्ष का काम है जी, हर चीज में सबूत चाहिए जी। अपने तो 40-50 साल से राज किया, कभी सबूत दिखाया नहीं जी। नरेंद्र मोदी तो 3 दिन में सबूत दिखा दिया जी। लेकिन राहुल गांधी अकेले पड़ रहे थे, उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी मैदान में। आपको लगता है कुछ दोनों भाई बहन कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर, जीत जाए यही काफी है। वो जीत जाए यही काफी है जी। अगर जीतने की गारंटी है तो दो जगह क्यों चली गए जी, जी। एक युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं इस बार इस चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए, और अभी की जो सरकार है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अभी का जो सरकार है, अभी मोदी सरकार है ठीक है। तो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो स्ट्राइक हुआ, ऐसा कुछ हुआ है तो अभी मोदी जी के तरफ से ही हुआ है जी। और जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये है, हम ये नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान खराब है, लेकिन ये बोलेंगे कि पाकिस्तान का आतंकवादी खराब है ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सब देश एक साथ रहे ठीक है, और मोदी सरकार ही सरकार बने, मोदी सरकार ही बनेगी। और अभी क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़ा तगड़ा कैंपेन चला रखा है और काफ़ी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ असर हो पाएगा इस चीज़ पर? नहीं, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो लोगों को लेके चलना सरकार कहते हैं। जो सरकार आए कि हाँ ठीक है चलो इसको काम दे देते हैं, उसके बाद सरकार चला जाता है। ऐसा अगर होगा तो कोई सरकार 5 साल के बाद वो सरकार नहीं रहता है ठीक है। तो उम्मीदें बरकरार हैं इस सरकार से। हाँ, तो यही जो मोदी सरकार ने किया है 5 साल में बहुत अच्छा किया है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ही सरकार बने। गुवाहाटी में मेरे साथ ये भाई साहब हैं, बंगाल से हैं, और मैं असम की क्या बात करूँ, इनसे बंगाल पे ही चर्चा करते हैं। बंगाल में क्या माहौल है इस बार? बंगाल का माहौल आगे जब छिलो अखन एकटु चेंज होयेछे जी। तो सवाई चाची तो मोदी आसुक। तो ब्रह्मपुत्र नदी से ये थी प्रभा साक्षी की खास पेशकश, भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ, जिसमें आपने जाना कि जो जनता है वो क्या चाहती है, वो कैसी सरकार चाहती है, सरकार के सामने वो क्या मुद्दे रखती है, और सरकार बनने वाली सरकार से उसकी अपेक्षाएं क्या है। और ऐसे ही हम भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ ये जो कार्यक्रम है वो अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं।
जो असम में आपने देखा, भारत के मन की बात प्रभा साक्षी के साथ। ऐसे ही अगली कड़ी में हम आपके साथ फिर किसी नए राज्य, किसी नए शहर से जुड़ेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें प्रभा साक्षी .com।